गर्भवती कुत्ता और चीता। जंगल में बाकी जानवरों के साथ एक लूसी नाम की गर्भवती कुतिया अपने बड़े बेटे सोनू के साथ रहती थी। लूसी गर्भवती होने के कारण कमजोर हो गई थी, इसीलिए सोनू अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखता था। एक बार लूसी खाना ढूंढने जा रही थी, तब सोनू कहता है, माँ आप कहाँ जा रही हो? माँ भूख लगी है तो मैं आपके लिए खाना ढूंढ कर लाता हूँ, पर आप कहीं मत जाइए। ओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम छोटे होने के बावजूद भी तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। पर बेटा मैं आराम करके ऊब गई हूँ, मैं थोड़ा जंगल घूम कर आती हूँ, मैं बस यू गई और यू आई। लूसी सोनू को घर पर छोड़कर अकेले ही जंगल घूमने निकलती है। जंगल घूमते हुए लूसी को बहुत ही खुशी मिल रही थी। लूसी खाना खाकर वापस जाने लगती है, तभी उसके पेट में हलचल शुरू होती है। अरे रे, लगता है तुम्हारा जंगल घूमकर मन नहीं भरा है, पर बेटा अभी घर जाना होगा, उधर तुम्हारा भाई इंतजार कर रहा है हम दोनों का, चलो अब चलते हैं यहाँ से। लूसी खुशी से घर वापस निकलती है, तभी उसे सामने से एक मादा चीता उसके पास आते दिखाई देती है। उसे देखकर लूसी डर जाती है और वो खुद एक झाड़ी में छुप जाती है। मादा चीता वहाँ आती है और कहती है, अरे बहन बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम इस झाड़ी में छुपी हुई हो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है बहन, बाहर आ जाओ। तब लूसी झाड़ी से बाहर निकलती है। तब मादा चीता लूसी से कहती है, बहन मैं तुम्हारी हालत को समझ सकती हूँ, तुम गर्भवती हो ना, वैसे मैं भी एक माँ हूँ, मैं एक माँ का दर्द और उसका डर समझ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें हानि पहुँचाने नहीं बल्कि खतरे से आगाह करने आ रही थी। वो क्या है कि सामने एक खूनी बाघ बैठा है, बहन तुम इस रास्ते से घर मत जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, पर बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे खतरे से आगाह किया। इस तरह से बातें करते हुए लूसी दूसरे रास्ते से घर चली जाती है। सोनू माँ की राह देख ही रहा था। लूसी को देखते ही सोनू कहता है, माँ आपको देर क्यों लगी, आप ठीक तो हो ना माँ। लूसी सारी बात सोनू को बताती है। खूनी बाघ की बात सुनकर सोनू अब हमेशा लूसी के साथ रहने लगता है। उस दिन फिर से लूसी को जंगल घूमने का मन होता है, पर इस बार सोनू भी लूसी के साथ जाता है। थोड़ी दूरी पर ही मादा चीता पर खूनी बाघ का हमला होते हुए लूसी देख लेती है। लूसी चीता को बचाने जाने लगती है, तब सोनू रोकते हुए कहता है, माँ कहाँ जा रही हो आप? आप वहाँ नहीं जा सकती माँ, चलो माँ हम यहाँ से भाग जाते हैं। बेटा चीता खतरे में है, उस दिन अगर वो चाहती तो मुझे मौत के हवाले कर सकती थी, पर उसने नहीं किया, और बेटा उसका भी एक छोटा बच्चा है, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। पर माँ आपको कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा मैं आपके बगैर? माँ आपको आपके पेट में पलने वाले अजन्मे बच्चे का वास्ता, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। सोनू माँ के सामने रोने लगता है, पर लूसी उसकी एक नहीं सुनती है और वो मादा चीता की मदद करने जाती है। लूसी और चीता दोनों भी खूनी बाघ से बराबर का सामना करते हैं। दोनों माए मिलकर उस खूनी बाघ को घायल करके भगा देते हैं। पर इस बीच लूसी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, लूसी नीचे गिर जाती है। तब सोनू भागते हुए माँ के पास आता है और कहता है, माँ 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 आप ठीक तो हो ना माँ। लूसी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, पर उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, वो अपने दोनों बच्चों को भी ठीक से देख नहीं पा रही थी। तब लूसी मादा चीता से कहती है, बहन लगता है मेरा तुम सबको अलविदा करने का समय आया है,
बहन मेरे दोनों बच्चों को माँ का प्यार देना और उन्हें अच्छी शिक्षा देना। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी माँ को माफ कर दो। लूसी सोनू और अपने नवजात बच्चे को प्यार करते करते दम तोड़ देती है। मादा चीता रोने लगती है। सोनू का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। नवजात बच्चा भूख के मारे रोने लगता है। तब मादा चीता उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है और कहती है, लूसी बहन, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चे और तुम्हारे बच्चों में कभी फर्क नहीं करूँगी। बेटा सोनू, अब तुम्हारी माँ हमेशा हमेशा के लिए सो गई है। उसे चैन की नींद लग गई है बेटा। अब उसे कोई नहीं जगा सकता, कोई नहीं। बेटा, तुम चलो मेरे साथ। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मादा चीता लूसी के दोनों बच्चों को अपने घर ले जाती है और उसे अपने बच्चों के जैसे पालने लगती है। इस तरह से मादा चीता उन तीन बच्चों की माँ बनकर उनका अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। गर्भवती गाय, दुष्ट शेर और बाढ़। गर्भवती गाय हिरण के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल रही थी कि तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, अरे गाय बहन, तुम खुद गर्भवती हो, ऐसे में ये क्या कर रही हो? ऐसी हालत में तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे बच्चे के लिए हानि पहुंचाए। बंदर भाई, ये भी तो किसी का बच्चा ही है ना? ठीक है, रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों मिलकर हिरण के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। तब वो हिरण का बच्चा धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। इस तरह से गर्भवती गाय हमेशा किसी न किसी की मदद करती रहती थी, जिस वजह से जंगल में उसके कई सारे दोस्त बन गए थे। एक बार हाथी गर्भवती गाय के लिए खाना लाता है। तब वो गाय कहती है, अरे आप सब मेरे लिए कितना कुछ करते हो, ऐसे में तो मैं आलसी बनती जाऊंगी। बहन, ऐसे वक्त में हमें तुम्हारी मदद करने दो, बस तुम आराम करो और खूब खाना खाओ। जंगल में हर कोई गर्भवती गाय की किसी ना किसी तरह से मदद कर रहे थे। एक बार गर्भवती गाय जंगल में घूम रही थी कि तभी हिरण कहती है, अरे गाय बहन, ऐसे मत घूमो, वो दुष्ट शेर यही कहीं होगा और तुम्हें तो पता ही है ना कि वो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ बहन, मुझे सब पता है, पर मुझे विश्वास है कि वो मुझे कुछ नहीं करेगा। दरअसल उसी जंगल में एक दुष्ट शेर भी रहता है जो बहुत ही लालची था। वो हमेशा किसी ना किसी का शिकार करता ही रहता है। उसे किसी पर कोई दया नहीं आती थी। सब जानवर उस शेर से बहुत डरते थे। अब तो वैसे ही हुआ जैसे हिरण ने कहा था। गर्भवती गाय नदी के किनारे टहल रही थी कि तभी उसे शेर देख लेता है। शेर मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, आज तो इस गाय को खाकर मुझे बहुत मजा आएगा, बड़े दिनों बाद पेट भर के खाना खाऊंगा। शेर ऐसा सोचकर गर्भवती गाय के पास जाता है। अब वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी गर्भवती गाय कहती है, शेर मुझे जाने दो, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे अंदर एक नन्ना सा बच्चा पल रहा है, मुझे छोड़ दो। मुझे मत बताए साहब, मुझे इससे क्या कि तू गर्भवती है या नहीं, मुझे तो बस मेरे भूख से मतलब है, जो तुम्हें खाकर मिट जाएगी। कितने दुष्ट और निर्दयी हो तुम शेर, मुझे लगा था कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो जैसे सब सोच रहे हैं, पर नहीं, मेरा ख्याल झूठा निकला, तुम्हें छोटे बच्चे पर भी तरस नहीं आ रहा। अरे तू ऐसी बातें मत कर, मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। बेचारी गाय शेर की बातों से बहुत डर जाती है। वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान,
ये दुष्ट शेर मुझे और मेरे बच्चे को मार कर ही रहेगा। भगवान मेरी नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए मेरी मदद करो। गाय की प्रार्थना से आकाश में बिजलियां चमकने लगती है, तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। उस वक्त नदी में बाढ़ आती है जिसमें शेर बहने लगता है। शेर एक टूटते हुए पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है जो कि किसी भी वक्त टूटने वाली रहती है। शेर भी बहुत डर जाता है और वो कहता है, अरे गाय मेरी मदद करो, मुझे बचाओ गाय, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ। हाँ हाँ तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर गाय एक बड़ी सी लकड़ी का इंतजाम करती है और शेर से कहती है, शेर तुम घबराओ मत, तुम ये लकड़ी को पकड़ लो, मैं अपने मुंह से इसे खींचती हूँ। ऐसा कहकर गाय लकड़ी अपने मुंह में रख कर लकड़ी को शेर की तरफ डालती है। शेर उस लकड़ी को पकड़ लेता है। तब तक गर्भवती गाय के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और वो सब मिलकर गर्भवती गाय की मदद करते हैं और शेर को बाढ़ में बहने से बचा लेते हैं। तब शेर कहता है, आप सबका मैं कैसे धन्यवाद करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से शेर जंगल के किसी भी जानवरों का शिकार नहीं करता है और सबके साथ मिलकर गर्भवती गाय की देखभाल करता है।